नमस्कार बच्चों, क्लास सेवेंथ की शारीरिक शिक्षा की हमारे सब्जेक्ट में जो है ये हमारा तीसरा पार्ट है शारीरिक शिक्षा का, योग शिक्षा वाला। तो इसमें भाग तीसरा है, अभी भाग दो आसन हमने किया था, अभी भाग तीसरा है मुद्रा एवं बंध तथा शुद्धि क्रियाएं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इस चैप्टर में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी काफ़ी लंबा चैप्टर है तो दो तीन दिन लगेंगे इस चैप्टर को पढ़ने में समझने में, फिर उसके बाद इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं मुद्रा, मुद्रा क्या होती है करके प्रस्तावना इसके बारे में दिया गया है। योग शिक्षा के अंतर्गत मुद्राएँ अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। योगासन से शरीर सुदृढ़ होता है तथा मुद्राओं के द्वारा परम सिद्धियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। मुद्राओं के अभ्यास से स्वास्थ्य की वृद्धि तो होती ही है, साथ ही आंतरिक शुद्धता व मानसिक बल भी प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि जो मुद्राएं हैं वो जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक और आंतरिक शुद्धता के लिए। मुद्राओं का ज्ञान अति प्राचीन है, मन को एकाग्र करने के लिए मुद्राएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, यानी कि मन की एकाग्रता अगर हमने बनाए रखेंगे तो मुद्राएँ अगर हम करेंगे अपने जीवन में तो उससे जो है हमारा जो मन होगा वो एकाग्र होगा। परंतु इस भाग में कुछ निम्न मुद्राओं के संदर्भ में विचार करेंगे और जो है हमने कुछ इसमें मुद्राएं यहाँ पे दी हैं, यानी कि स्थिति कह सकते हैं जिनको, उनको मुद्राएं कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ मुद्राएं दी गई हैं तो उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्रणाम मुद्रा या नमस्कार मुद्रा। तो ये कौन सी स्थिति है? सर्वप्रथम हम पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। ठीक है, पद्मासन में बैठ करके उसके पश्चात दोनों हाथों को प्रणाम की स्थिति में ले आएं, जैसे कि हम प्रणाम करते हैं। ठीक है, दोनों हाथों के अंगूठे सूर्य चक्र पर, ठीक है, जो दोनों हाथ के अंगूठे होंगे वो सूर्य चक्र की ओर अंकित होंगे। नेत्रों को कोमलता के साथ बंद करें तथा संपूर्ण ध्यान दोनों नेत्रों के मध्य आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। यानी कि जो है आराम से पहले आँखें बंद करनी है, उस जो है हाथ को प्रणाम की स्थिति में ले जाने के पश्चात, और ध्यान को केंद्रित करते हुए जो हमारे नेत्र के बीचों बीच जो आज्ञा चक्र होता है इस पर जो है केंद्रित करने का प्रयास करना है। इस स्थिति में प्रारंभ 2 से 3 मिनट तक करें तथा धीरे धीरे 15 से 20 मिनट तक जो है इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरी है योग मुद्रा। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं, दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। ठीक है, अब इसमें हाथों को घुटनों पर रखना है, अंगूठे व तर्जनी उंगली के ऊपरी हिस्से को आपस में दबाएं, जैसा कि हम योग स्थिति में करते हैं इस तरह से, और जो कमर है वो सीधी रखें। नेत्रों को जो है आराम से बंद करके ध्यान जो है वो आगे चक्र पर लगाने का प्रयास करना है, और वह इस योग को 3 मिनट से जो है 30 मिनट तक कर सकते हैं। तो यह स्मरण शक्ति के लिए बहुत अच्छी मुद्रा होती है। फिर अगला है चिन्ह मुद्रा। इसमें भी जो है पद्मासन या सुखासन में बैठना है, दोनों हाथ घुटनों पर रख करके हथेली जो है इसमें नीचे की ओर रहेगी। अब ठीक है, अंगूठे व अनामिका उंगली के ऊपरी हिस्से को कसकर दबाना। अब जो हमारा अंगूठा है और जो अनामिका उंगली है इसके जो है हिस्से को दबाना है, मतलब दोनों उंगलियों को। ठीक है, इस तरह से उसके बाद आँखों को आराम से बंद करके ध्यान जो है वह आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना है, और इस मुद्रा को 3 से 30 मिनट तक करने का प्रयास करना है। ठीक है, फिर अगला आया हमारा ब्रह्मांजलि मुद्रा। ठीक है, अब ये क्या होती है? पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं, इस जितनी भी मुद्राएं हैं सभी में जो है पद्मासन या सुखासन में बैठना है। ठीक है, मेरुदंड सीधा रखें और सभी मुद्राओं में जो है जो मेरुदंड है यानी जो कमर है वो सीधी रहे। बाएं हाथ के ऊपर दाहिने हाथ को रखें। अब ठीक है, बाएं हाथ के ऊपर दाहिने हाथ को रखना है, ठीक है, सेंटर में। दोनों हाथ नाभि के नीचे पेट से सटा कर रखें, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे जैसे हथेली के ऊपर रखना होगा। ठीक है, नेत्रों को कोमलता के साथ बंद करें, जो आँखें हैं फिर वो आराम से हमने बंद करनी है। ठीक है, इसमें भी जो है ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाना है, क्योंकि ये सारी जो मुद्राएं होती हैं ध्यान पर ही आधारित होती हैं, क्योंकि मन को एकाग्र करने के लिए की जाती हैं ये, इसलिए इनका जो सभी जितनी भी मुद्राएं हैं सभी में ही जो है ध्यान वो आज्ञा चक्र पर लगाना होता है।
और अभ्यास पूर्व मुद्राओं की भांति करें, जिससे पूर्व में जैसे हम लोगों ने करी है ये 3 से 30 मिनट या 10 से 15 मिनट, तो ऐसे ही जो है ये ब्रह्मांजलि मुद्रा का भी जो है इस तरह से अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो है मुद्राएं होती हैं, यानी कि स्थिति, शरीर को हम जो है इस स्थिति में रख के या इस मुद्राओं में रख के जो है मन को अपने एकाग्र करने का प्रयास कर सकते हैं या एकाग्र कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इससे अगली वीडियो में आपको बंद, ठीक है, जो बंद होते हैं शरीर में जो लगाए जाते हैं हाथ और पैरों की सहायता से, ठीक है, उनको जो है जानेंगे।